সম্প্রচার আপনার আগবাইছো রাজ্যপাল গৰাকী উপস্থিত হয়েছে গোলাপচন্দ কাটারিয়া কিছু সময়ের পাশতে উন্মোচন করব পতাকা গার্ড অব অনারের নেতৃত্ব প্রদান করেছে IPS তুষার দেশাই আর আনকিটা দলের নেতৃত্ব আছে উপ আরক্ষী অধীক্ষক বার্ডি বড়ো উপ পরিদর্শক আশিফ ইকবাল আর উপ পরিদর্শক রঞ্জনমণি মশরুম निरीक्षण के उपरांत माननीय राज्यपाल महोदय मंच की ओर बढ़ रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन एज द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ असम अनफर्स्ट द नेशनल फ्लैग द नेशनल एंथम विल बी प्लेड सभी से अनुरोध है कि राष्ट्र ध्वज के सम्मान में तब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सल्यूट करें माननीय राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया महोदय एतिया मूल मंच फले आगबढ़ी आहिछे তেখেতে রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করার সময়ত সকলকে থিয় হবলৈ আমি অনুরোধ জানাইছো আর এই পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই সামরিক পোশাকধারী সকলক সেলুট করবলৈ অনুরোধ জানাইছো মাননীয় রাজ্যপাল গুলাব চন্দ কটারিয়া মহোদয়ক এখন ফুলাম গামোচা আর ফুলর তোরারে আদরিছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় मेरे प्यारे आसाम वासियों आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि सन 1950 में आज ही के दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया और भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना 75वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं
जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। साथ ही मैं संविधान के निर्माताओं एवं उन दूरदर्शी नेताओं के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे महान लोकतंत्र की नींव रखी। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। मेरे प्यारे आसाम वासियों, भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र भारत की आत्मा है। यह आम भारतीयों की सांसों और संस्कारों में रचा बसा है। भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों एवं अवधारणाओं का विकास, सहयोग, समन्वय, स्वस्थित आधारित प्राचीन एवं सनातन सांस्कृतिक विचार प्रवाह एवं जीवन दर्शन में हुआ है। भारतीय संविधान की जड़ें इतनी गहरी और व्यापक है कि यूरोप और अमेरिका समेत संपूर्ण विश्व इससे प्रेरणा ग्रहण करता है। अपनी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत पर हमें गर्व करना चाहिए। हमें गर्व है कि हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा और सक्रिय लोकतांत्रिक देश है। भारत की उभरती शक्ति दुनिया उम्मीदों से देख रही है। देश आज पूरे सामर्थ्य से अपनी सारी विविधताओं पर गर्व करते हुए आगे बढ़ रहा है और उसके पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। हमारा लोकतांत्रिक संप्रभुता गणतांत्रिक राष्ट्र भारत मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरा है। आज विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था में भारत आर्थिक तौर पर 5वें स्थान पर है और आने वाले 5-6 वर्षों में अमेरिका चीन के बाद भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की राह पर अग्रसर है। राष्ट्र आज आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। भारत में कई क्षेत्रों में असाधारण प्रगति की है। स्वच्छ पेयजल, ऊर्जा, रोजगार, अच्छी सड़कें, रेल पथ के विस्तार जैसे मोर्चे पर हम तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष विज्ञान, सामरिक अनुसंधान, अत्याधुनिक सैनिक उपकरणों, मिसाइल, तेजस विमान, सैनिक साज सामान, कृषि अनुसंधान, वैज्ञानिक खोजों, संचार एवं तकनीकी, विदेश व्यापार, परमाणु ऊर्जा तथा परमाणु शक्ति के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। मुझे जानकर अति प्रसन्नता हुई कि हमारे असम से 3 विशिष्ट लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। श्रीमती पार्वती बरुआ को समाज सेवा के क्षेत्र में, श्री सर्वेश्वर बसुमतारी कृषि के क्षेत्र में और श्री धोणा भुइया कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं इस उपलब्धि के लिए श्रीमती पार्वती बरुआ, श्री सर्वेश्वर बसुमतारी और श्री धोणा भैया को हार्दिक बधाई देता हूं। इसके लिए मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। मेरे प्यारे आसाम वासियों, यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे असम के विकास पथ को उजागर करने वाली प्रगति और उपलब्धियों को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में उठाए गए परिवर्तनकारी कदम लोगों के कल्याण और भलाई के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाता है। इस शुभ अवसर पर मैं कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभाग द्वारा हासिल की विभिन्न उपलब्धियों को आपके साथ साझा करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। शांति विकास का समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम असम में सर्वांगीण विकास देख रहे हैं तो इसका कारण यह है कि आज राज्य में शांति कायम है। पिछले वर्ष शांति समझौते के संदर्भ में हमें 2 महत्वपूर्ण सफलता मिली है। भारत सरकार के सक्रियता के चलते 29 दिसंबर 2023 को उल्फा के साथ ऐतिहासिक समझौते के साथ शांति के एक नए युग की शुरुआत हुई है। जो दशकों से चले आ रहे टकराव समापन का प्रतीक है। इससे पहले 27 अप्रैल 2023 को
दिमाशा समझौता पर हस्ताक्षर हुए जो दिमाशा लोगों की आकांक्षाओं को संबोधित करता है। इस समझौता स्थानीय समुदायों को सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। कई दशकों के असम और पूर्वोत्तर राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय अपने गठन के बाद लंबे समय से सीमा विवाद में जूझ रहे थे। मेरी सरकार की मुख्य चिंता सीमा विवाद को हल करना है। इस प्रयास में 20 अप्रैल 2023 को असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच लंबे समय से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद सुलझा लिया गया है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को उपस्थिति में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के द्वारा दावा किए गए 123 गांवों में से 71 गांवों में मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल कर लिया गया है। मिजोरम ने भी असम के साथ अपने सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की जरूरत पर बल दिया है। इस संबंध में क्षेत्रीय समितियों का गठन पर चर्चा चल रही है। पिछले साल बाल विवाह में मामलों में 8,800 आरोपियों के खिलाफ 5,347 मामले दर्ज किए गए और इसमें 4,407 से अधिक गिरफ्तारियां की गई। अब हमारा लक्ष्य 2026 तक बाल विवाह को पूर्ण समाप्त करना है। इसके लिए बाल विवाह निषेध अधिकारियों को तैनात किया गया है। हमारे विशेष कार्यबल एटीएफ ड्रग तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, सोने और वन्य जीवों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो सामाजिक कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। असम सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। असम पुलिस की सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी शाखा सक्रिय रूप से भ्रष्टाचारी विरोधी प्रयास में लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए असम पुलिस विघटनकारी तत्वों को सख्ती से निपट रही है और पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया प्रतिबंध लगाने के साथ साथ पीएफआई और सीएफआई नेताओं की गिरफ्तारी करने में अलावा 11 अंसुरुल्ला बंगला टीम को नष्ट करने में सफल रही है। गुवाहाटी में हम स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को प्राथमिकता दे रहे हैं। 100 CNG बसें और 200 ऐसी ईवी बसें खरीदी गई है जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा। हमारा लक्ष्य 2025 तक गुवाहाटी को 100% हरित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले पहले शहर में से एक बनाना है। हमारे सुधार उपायों की आधारशिला साप्ताहिक कैबिनेट बैठक है, जो अब तक 114 कैबिनेट बैठकों में 1542 उल्लेखनीय निर्णयों को मंजूरी देने में सहायक रही है। इसे कुशल और जवाबदेही शासन सुनिश्चित हुआ है। परंपरा से हटकर 15 कैबिनेट बैठकें राजधानी से बाहर आयोजित की गई, जिससे लोगों के साथ सीधे संबंधों को बढ़ावा मिल रहा है। सरकारी सेवाओं को त्वरित डिलीवरी बढ़ाने हमने सेवा सेतु पोर्टल पेश किया है, जो असम राइट टू पब्लिक सर्विस पोर्टल की तर्ज पर बनाया गया है। इससे विभिन्न विभागों और स्वायत्त परिषदों के 541 महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल है। 22 जनवरी 2024 तक पोर्टल में द्वारा 1,11,14,240 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 84% की सराहनीय दर से 93,81,221 आवेदनों का निपटारा हुआ है। पेंशन भोगियों की चिंताओं से संबोधित करते हुए कृतज्ञता 2 पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे वर्तमान में 59 विभाग पंजीकृत हैं। इस पोर्टल के तहत 20,484 पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ जारी किए गए हैं। 19,697 ऑनलाइन पेंशन भुगतान आदेश 96% निवास दर से निपटाए गए हैं।
सीआईडीबी के तहत सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल के विस्तार 20 विभागों और 48 सरकारी संगठनों में 228 सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया। आज तक प्राप्त लगभग 18 लाख आवेदनों में से 99% ऑनलाइन आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है। 2022 और 23 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजटीय व्यय हुआ है। अर्थव्यवस्था 5,00,000 करोड़ ऊपर जीएसडीपी को पार कर गई है। हमारी सरकार पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने के लिए वित्त वर्ष 23-24 में हरित बजट अनुकूलित बजट शुरू करने पर जोर दे रही है। इस वर्ष हमारा पूंजीगत व्यय अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा है। चालू वित्तीय वर्ष में पहले 8 महीनों में लगभग 11,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश दर्ज किया जा चुका है। चालू वर्ष में ग्रामीण संरचना विकास निधि RIDF का आवंटन 3100 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इस आवंटन में से नाबार्ड ने अब तक कुल 475 परियोजनाओं के लिए 2,788 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। हम बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत हमारा समर्थन करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज असम की मुख्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपए की परियोजना चल रही है। पूंजी निवेश योजना में लिए राज्य को विशेष सहायता के तहत राज्य का निधि आवंटन 2021 में 430 करोड़ से बढ़कर पिछले वर्ष 4,300 करोड़ हो गया। इस वर्ष हमें पूंजीगत मद में अपनी योजनाओं को समर्थन देने के लिए 3,000 करोड़ रुपए से अधिक पहले ही मिल चुके हैं। NIDA के तहत नाबार्ड के सहयोग से असम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल एजेंसी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन, शिक्षा, महिला बाल विकास क्षेत्र में कवर करते हुए 6,000 करोड़ रुपए की पूंजी परियोजनाएं शुरू की है। औद्योगिक नीति के तहत 10,450 नौकरी के अवसरों के साथ कुल 11,315 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 14 प्रमुख निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इथेनॉल राज्य में एक संभावित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में 1,154 करोड़ रुपए के निवेश के लिए तेल विनिकरण कंपनियों द्वारा 7 निजी परियोजनाओं को विक्रेताओं आपूर्तिकर्ताओं के रूप में चुना गया है, जिससे संभावित रूप से लगभग 5,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां प्राप्त होगी। वर्तमान में आसाम अंतर्देशीय मछली उत्पादन राज्य के रूप में 4th स्थान पर है और देश भर में समग्र मछली उत्पादन में 12th स्थान पर है। 4,000 हेक्टेयर राज फिश वेल मत्स्य पालन सतत विकास प्रबंधन और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए असम में मत्स्य विभाग ने SWIFT नामक बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना के क्रियान्वयन की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य राज्य के मत्स्य पालन क्षेत्र में बढ़ाना है। उत्तर पूर्वी परिषद के वित्त पोषण समर्थन से डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पटाचार कुची बजाली में 10,000 लीटर प्रतिदिन का दूध संरक्षण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कामरूप में चंगासारी में उत्तर पूर्वी भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स का उद्घाटन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोकराझार, नलबाड़ी, नौगांव में स्थापित 3 नए मेडिकल कॉलेज को भी समर्पित किया। तिनसुकिया में 13वां मेडिकल कॉलेज का निर्माण फिलहाल हो रहा है। स्वास्थ्य सेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए चराईदेव, बोगाई गांव, विश्वनाथ, कामरूप मेट्रो में 4 नए मेडिकल कॉलेज निर्माण के उच्च चरण में हैं। गोलाघाट, तामुलपुर, धेमाली और मोरीगांव मेडिकल कॉलेज के लिए प्रगति स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त गोवालपारा, करीमगंज और शिवसागर में 3 और मेडिकल कॉलेज प्रस्ताव विचाराधीन है। मेरी सरकार का यह
अन्य प्रमुख कार्यक्रम आयुष्मान असम, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 2 अक्टूबर 2023 को शुरू की गई। यह योजना अतिरिक्त 28 लाख परिवारों को कवर करती है जो कैशलेस उपचार के लिए पात्र बन गए हैं। इस प्रकार आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान असम, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना ने लगभग 1,58,00,000 लाभार्थियों वाले 58 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये कैशलेस उपचार का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। NIDA के तहत बोईगाम, बिहाली और स्वाकुची में रूसा के तहत नलबाड़ी, नौगांव, उदारगाड़ी में 6 नए इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ड्रॉप आउट दर को कम करने और शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रेरित करने के लिए कक्षा 9 के छात्रों को मुफ्त साइकिल प्रदान करना, परीक्षाओं में उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले के लिए अनादराम बरुआ नमक नगद पुरस्कार, डॉक्टर पानीकांत काकती पुरस्कार से तहत स्कूटर वितरण करना जैसी पहल लागू की गई है। 9वीं कक्षा के कुल 3,69,454 छात्रों को साइकिलें मिली है। HSLC की परीक्षा में 75% और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 27,183 विद्यार्थियों को आनंदराम बरुआ नगद पुरस्कार के अंतर्गत प्रति बालक 15,000 रुपये प्रदान कर सम्मानित किया गया है। चाहे जनजाति और आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए राज्य सरकार सक्रिय रूप से स्कूलों और कॉलेजों में छात्रवृत्ति जारी की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए पाठ्यक्रमों में आधार पर न्यूनतम 3,000 से लेकर और अधिकतम 35,000 रुपये तक के कुल 65,078 आवेदन प्राप्त हुए हैं। हमारे राज्य में महिलाओं को व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है। हाल ही में लॉन्च किए गए अरुणोदय 2 का कवरेज न केवल अंत्योदय महिलाओं तक है बल्कि इसमें ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजन, दीनदयाल दिव्यांगजन पेंशन योजना और इंदिरा मिरी यूनिवर्सल विधवा पेंशन योजना के मौजूदा लाभार्थी भी शामिल है। वर्तमान में सरकार 25 लाख अरुणोदय परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कर 1,250 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रदान कर रही है। हमारी सरकार ने चाहे जनजाति और आदिवासी समुदाय में प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में चाहे जनजाति आदिवासी समुदाय OBC कोटा के अंतर्गत 3% आरक्षण आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने चाहे जनजाति और आदिवासी छात्रों के लिए आरक्षित मेडिकल सीटें 27 से बढ़ाकर 30 की गई है। यह राज्य सरकार के वंचितों को ऊपर उठाने के लिए किए गए फैसले का एक सराहनीय उदाहरण है। 14 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया मिशन वसुंधरा 2 अगली पीढ़ी की भूमि संबंधी सेवाओं की शुरुआत करता है। 31 दिसंबर 2023 तक प्राप्त हुए 13,39,605 आवेदनों में से 2,26,934 आवेदनों का सेटलमेंट प्रस्ताव जारी किए जा चुके हैं। मिशन वसुंधरा 2 के तहत 6 सेवाओं के लिए ST, SC, OBC, MOBC श्रेणी के आवेदनों से प्राप्त 6,89,155 आवेदनों में से 1,90,387 आवेदन को निपटाने का प्रस्ताव दिया गया है। खेल और युवा कल्याण विभाग सक्रिय रूप से खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा दे रहा है और जमीनी स्तर के मेगा खेल आयोजन खेल महारण के माध्यम से प्रतिभाओं को पहचान कर रहा है। प्रतियोगी ग्राम पंचायतें स्तर से लेकर LAC स्तर और जिला स्तर फैली हुई है जिसका समापन 28 जनवरी से अलग अलग स्थानों पर शुरू होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में होगा। इस आयोजन में एथलेट्स फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो शामिल है।
उल्लेखनीय रूप से 27 लाख 26 हजार से अधिक खिलाड़ियों ने एथलीट पंचायत स्तर पर भाग लिया है। इसे खेल महारण को राज्य में सबसे बड़े जमीनी स्तर पर खेल आयोजन के रूप में स्थापित किया है। विशेष रूप से अंडर 19 में 70,000 खिलाड़ी और अबव 19 में 40,000 खिलाड़ियों को पहचान पंचायत स्तर पर उनके प्रदर्शन के आधार पर उनकी क्षमता तय की गई है। असम सरकार द्वारा शुरू किए गए असम सांस्कृतिक महासंग्राम 23-24 का उद्देश्य राज्य में छिपी प्रतिभाओं को खोज करना है, व्यक्तियों को अपनी संगीत और नृत्य कौशल को प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस प्रतियोगिता में 12 से लेकर 35 वर्ष तक के विभिन्न आयु समूह के 4 अलग अलग गायन श्रेणियों को शामिल किया गया है। ज्योति संगीत, विष्णु रामभा संगीत, भूपेंद्र संगीत और रविंद्र संगीत। इसके अतिरिक्त 2 समूह नृत्य श्रेणी में बिहू नृत्य और जातीय नृत्य शामिल है। प्रतियोगिता के लिए 10 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है और 3 लाख से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है, जिससे आयोजन देखने में भारी भीड़ उमड़ी है। 14 अप्रैल 23 को एक ही स्थान पर सबसे बड़ा बिहू प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इस असाधारण उपलब्धि में राज्य भर से 11,369 बिहू कलाकारों ने इस मेगा इवेंट में भाग लिया। यह भव्य अवसर प्राप्त है। भारत के प्रधानमंत्री जी स्वयं इस गौरवान्वित समय पर उपस्थित थे। राज्य सरकार 1 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता का पूरा करने के प्रति दृढ़ है। राज्य स्तरीय भर्ती आयोग ने तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए पहले ही उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। वादे को पूरा करने की अपनी यात्रा में मेरी सरकार पहले ही नौकरियों में 88,547 नियुक्तियां दे चुकी है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मेरी सरकार ने विभिन्न योजनाएं लागू की है। चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर असम अभियान का लक्ष्य एक लाख लाभार्थियों को 2 लाख रुपया सामान्य श्रेणी के और 5 लाख रुपये व्यावसायिक पाठ्यक्रम में वित्तीय सहायता प्रदान की है। सीएम के तहत 2,29,000 आवेदकों का पंजीकरण हो चुका है। उद्यमिता और स्टार्टअप के माध्यम से राज्य के विकास में युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए हमारी सरकार ने सिडबी के सहयोग से 200 करोड़ रुपए के असम वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की है, जिसका लक्ष्य असम की स्टार्टअप हब बनाना है। इस पहल में 257 स्टार्टअप लाभान्वित हुए हैं। इससे इन्हें कुल 74 करोड़ रुपए की भारी धनराशि प्राप्त हुई है और उन्होंने 33 करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न किया है। इसके अतिरिक्त माई आसाम स्टार्टअप आईडी कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त 272 स्टार्टअप को 4,80,000 रुपए का अनुदान दिया है। असम स्टार्टअप फेस्ट का 23 अगस्त में उद्घाटन किया गया है। सिडबी के सामान्य से 100 करोड़ रुपए के कॉर्पोरेट समर्थन के साथ 5,000 करोड़ रुपए की पोर्टफोलियो निर्माण के साथ सूक्ष्म और लघु उद्योगों को असम क्रेडिट गारंटी योजना को 1 अप्रैल 23 से प्रभावी बनाया गया है। एमएसएमई क्षेत्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण में भारी सुधार हुआ है, क्योंकि वित्तीय वर्ष पहली 2 तिमाही में 16,000 करोड़ से अधिक का ऋण प्रदान किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष से 60% अधिक है। राष्ट्रीय कैरियर सेवा के तहत रोजगार के अवसर को बढ़ाते हुए जिला रोजगार कार्यालय में 7 मॉडल कैरियर केंद्र स्थापित किए गए हैं। साथ हमारी सरकार ने एमओयू के कारण 4 जुलाई 23 को असम जॉब पोर्टल का सफल लॉन्च हुआ है, जिससे स्थानीय और बाहरी नौकरी चाहने वालों के लिए अवसर उपलब्ध होंगे। विकास की हमारी खोज में पर्यावरण स्थिरता का प्राथमिकता बनी हुई है। राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने अभिनव अमृत वृक्ष योजना शुरू की है।
17 सितंबर 2023 को एक विशाल वृक्षारोपण अभियान में तर्पण व्यावसायिक रूप में व्यवहार्य वृक्ष प्रजातियों के 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। इस पहल से जनभागीदारी का लाभ उठाते हुए SHG, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, BDP सदस्य, चाय बागान, शैक्षणिक संस्थाएं और सरकारी विभागों को शामिल किया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप 10 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। 18 मई से 1 जून 23 तक आयोजित एक व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान ने संपूर्ण अतिक्रमित क्षेत्र में मुक्त करवा लिया है। इस क्षेत्र में हाथी, बाघ, गेंडा, जंगली भैंस और हिरण जैसे विभिन्न जंगली जानवरों प्रजातियां वापस आ गई है। इसके अतिरिक्त बुहारपुरी वन्यजीव अभ्यारण और चिरांग रिजर्व वन में 1482 हेक्टेयर भूमि को पुनः प्राप्त कर लिया गया है। असम नदी पुनर्जीवित गतिविधियां उद्योग आदि द्वारा अवशिष्ट उपचार के सख्त प्रवर्तन आदि सहित विभिन्न हस्तियों माध्यम से प्रदूषित नदी खंडों को संख्या को 44 से घटाकर अब हमारी 9 रही है। जल संसाधन विभाग 4512 किलोमीटर तटबंध का निर्माण, 1219 कटावरोधी और शहरी संरक्षण कार्य, 119 प्रमुख सल्यूस, 545 छोटे सल्यूस, 899 किलोमीटर जन निकास चैनल तथा 986 किलोमीटर मौजूदा बांध को ऊपर उठाकर मजबूत कर राज्य में 31 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र में से 16.5 हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित भूमि की रक्षा की है। PMAY के तहत असम में 2023 में कुल 8805 करोड़ रुपए का फंड मिला है, जिससे केंद्रीय हिस्से में 7924 करोड़ रुपया और राज्य हिस्से में 880 करोड़ रुपया। राज्य ने प्राप्त फंड में मुकाबले अपना और धन मिलाकर 9138 करोड़ रुपए का उपयोग किया है। PMAY पूरक करने के हमारी सरकार ने 2023-24 में PMAY छूटे हुए लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराने के लिए राज्य प्रमुख योजना मुख्यमंत्री आवास योजना भी प्रारंभ की है। किसानों के जीवन में बदलाव लाने वाले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 487 करोड़ रुपए की 15 किस्तें जारी की गई है। इसमें 12.16 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिला है। सरकार इस वर्ष भी सभी पात्र किसानों को इस योजना में शामिल करने का सुनिश्चय किया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत इस योजना में वर्ष 2018 से राज्य में शुरुआत से अब तक 10 लाख लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने की उपलब्धि हासिल करने में सक्षम रहा है। इसमें से 4 लाख से अधिक लाभार्थियों ने वर्ष 23 में 588 करोड़ रुपए की कैशलेस उपचार का लाभ उठाया है। तहत 30 लाख परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में पात्र हैं। जल जीवन मिशन के तहत जिसका लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर दैनिक आपूर्ति के साथ क्रियात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है, असम ने 2019 में JJM के लॉन्च 1.6 केवल हमारे यहाँ नल कनेक्शन थे 1.6 कवरेज था, उसको बढ़ा करके आज हमारे पास 71.28% घरों में नल कनेक्शन पहुंच गया है। यह वास्तव में बहुत ही सुखद अनुभव है। अंत में आसाम में हमारी सरकार द्वारा किए गए उल्लेखनीय प्रगति और पहल को साझा करने के लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, जिसका उद्देश्य समग्र विकास को बढ़ावा देना है, हमारे नागरिकों की विविध आवश्यकता की पूर्ति करना है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूरदर्शी नीतियों से लेकर पर्यावरणीय प्रथाओं और सांस्कृतिक संरक्षण तक हमारे
सामूहिक प्रयासों ने एक समझ और समावेशी असम के लिए मार्ग तैयार किया है। जैसा कि हम अपने गणतंत्र के 75 वर्ष का जश्न मना रहे हैं, हम समाज के हर वर्ग को उत्थान, सभी के लिए प्रगति, शांति, समृद्धि सुनिश्चित करने में अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहे। आइए, कृतज्ञता और समर्पण के साथ हम अपने प्यारे राज्य के लिए विश्व उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करते हैं, उसके लिए मिलकर काम करना जारी रखें। जय हिंद। Happy!